नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। तीन राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियों ने 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सभी सियासी दल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तीन राज्यों में बड़ी जीत के बाद बीजेपी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो जेजेपी ने राजस्थान के बाद अब हरियाणा के चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सिरसा में पार्टी ने नव संकल्प रैली के जरिए चुनावी आगाज किया। अजय चौटाला ने कहा कि मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करने में कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि 2024 के चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। सवाल यह भी, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जेजेपी और एनएलओ की क्या भूमिका रहने वाली है, इसी पर करेंगे आज खास चर्चा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी गदगद है और कार्यकर्ता अब 24 की तैयारी में जुट गए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी, एनएलओ या जेजेपी, सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में लोगों की तैयारी है, कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा लोग तैयार है। हरियाणा में लोग भाजपा जजपा की जो सरकार है, खट्टर दुष्यंत सरकार, इसके कार्यशैली से लोग दुखी हैं, निराश हैं, हर वर्ग दुखी इनके अहंकार से है, इनके घमंड से है, इनकी वायदा खिलाफी से है। इन्होंने जो वायदे किए पूरे नहीं करे, ना 5100 बुढ़ापा पेंशन आई, ना 75% रिजर्वेशन हुई। इन दोनों बातों के आधार पर ये समझौता हुआ था, इनका गठबंधन हुआ था, दोनों बातें खोखले निकली। आज प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों ने बदलाव करने का मन बना लिया। अभी तो पौधे का फुटारा आया है 60,000 वोट के साथ। पंचायती राज चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है। जेजेपी रुकने वाली नहीं, हम तो अपने संगठन को बढ़ाएंगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि दिसंबर के अंदर 13 के 13 जिला अध्यक्ष हम नियुक्त कर देंगे, स्टेट बॉडी पूरी बना देंगे, सेलों का गठन राजस्थान में कर देंगे और हरियाणा की तरह मजबूत संगठन राजस्थान में बनाने का। रिएक्शंस आपने सुने, दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला राजस्थान का भी उन्होंने जिक्र किया है अपनी इस रैली में। साथ ही कहा कि जो सवाल राजस्थान को लेकर उठा रहे थे, वहां पर भी जेजेपी ने अपने संगठन को पहुंचाने का काम किया है और अब हरियाणा की तैयारी चल रही है। तो सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां अब 2024 के चुनाव के लिए जुट गई हैं, क्योंकि 2024 में विधानसभा भी और लोकसभा का चुनाव भी, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारी। जेजेपी की रैली आयोजित की गई जिसमें दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की, अजय चौटाला मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी अब अपनी आगे की रणनीति बना रही है हरियाणा को लेकर भी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसके साथ ही जेजेपी और एनएलओ भी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। किस तरह से किसकी रणनीति, किसका क्या रोल रहेगा, आज अपनी इस खास चर्चा में यही डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं हरियाणा के चुनाव के लिए, किस तरह अपना रूट मैप आगे का तैयार कर रहे हैं, रणनीतियां किस तरीके से बन रही हैं। ये सारी चीज़ें, क्योंकि दावे सबके अपने अपने, बीजेपी एक बार फिर सत्ता में रिपीट का दावा कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने कई सारे आरोप अभी तक लगाए हैं बीजेपी या उनकी सरकार को लेकर, जो आगे भी जारी रहेंगे। उन आरोपों को लेकर भी चर्चा होगी। एनएलओ और जेजेपी का रोल किस तरह आगे रहने वाला है, इसको लेकर भी खास चर्चा आज बड़ी बहस में हम करेंगे।
प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और अब उसका असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। जोश कार्यकर्ताओं का हाई है और उतने ही जोश से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी ग्राउंड पर उतर रहे हैं। जेजेपी ने भी रैलियों का जो सिलसिला है वो अपना शुरू किया है। एनएलओ भी परिवर्तन की बात कर रही है। आज चारों ही पार्टीज की रणनीति हम समझेंगे कि चारों ही राजनीतिक दल हरियाणा के लिहाज से खास तौर पर किस तरह आगे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के चुनाव चूंकि होने हैं उसको लेकर भी, क्योंकि रैलियां शुरू हो गई हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन हों तो कार्यकर्ता पूरी रफ्तार के साथ, एनर्जी के साथ ग्राउंड पर उतरें, जनता के बीच में जाएं अपने मुद्दों को लेकर। और इन रैलियों के जरिए राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को भी जनता को बताने का काम कर रहे हैं, अपनी मंशा स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से वो आगे आने वाले चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं, क्या रणनीति आगे रहने वाली है। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, तो आने वाले वक्त में और ज्यादा इस तरह की रैलियां आप देखेंगे। क्योंकि अब रैलियां रफ्तार पकड़ेंगी और नेताओं के दौरे भी लगातार प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में रहेंगे इन चुनावों को देखते हुए। चलिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विधु रावल हैं। विधु रावल जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से सुमित गौड़ हमारे साथ हैं। सुमित गौड़ जी आपका स्वागत है। इनेलो से विजेन रेडू हमारे साथ हैं। विजेन रेडू साहब आपका स्वागत है। और जेजेपी से विवेक चौधरी हमारे साथ हैं। विवेक चौधरी जी आपका स्वागत है। विधु रावल जी शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूँ सर, 3 राज्यों में अच्छी सफलता आप लोगों को मिली है और आने वाले वक्त में अब हरियाणा का नंबर है, किस तरह आप लोग अपनी प्लानिंग हरियाणा को लेकर भी कर रहे हैं। विधु रावल जी, प्रयाग जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों के प्रबुद्ध प्रवक्ता, सबको भी नमस्ते। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ये सब चुनाव हो गए तो लगभग इन्हीं चुनावों के तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक प्रचंड जीत जो है हम हासिल करने वाले हैं जी। और आज जनता अपने मुंह से जिस प्रकार से खुले तौर पर बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता शिखर पर है, हरियाणा के अंदर मोदी जी मनोहर लाल जी ये दो ही केवल जो है गारंटीज चल रही है, दो ही लोगों पर केवल जो है हरियाणा की जनता जो है पूरा पूरा आशीर्वाद दिए हुए है। किस प्रकार लोकप्रियता का शिखर क्या होता है, जो लोकप्रियता की प्रकाष्ठा होती है उसको भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जन कल्याणकारी कामों के जरिए, गरीब उत्थान के जरिए, किसान कल्याण के जरिए किस प्रकार से हमने उस प्राचीर को लिखा है और उसको हासिल किया, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा के अंदर इस प्रकार से होता था कि जनता सरकारों को चुनती थी और फिर 5 साल तक निराश रहती थी और जब दूसरा अवसर आता था तो उन सरकारों को हटाने का प्रयास करती थी। केवल मनोहर लाल जी ऐसे अकेले एकमात्र आज तक हरियाणा के इतिहास में मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में जब बने थे, उसके बाद 2019 में दोबारा जनता के बीच में गए
तो वोट प्रतिशत 3.5% बढ़ा लिया। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। और अब जिस प्रकार से इन राज्यों की जीत के बाद और एक के बाद एक जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है कि इस बार जो जीत का आंकड़ा है बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। इस बार रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस भी कई बार जो है खुद को रिपीट कर पाई। दो बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने खुद को रिपीट किया था जी। और कोई पार्टी ऐसी गैर कांग्रेसी पार्टी नहीं थी जिसने खुद को रिपीट किया था। केवल भाजपा पहली पार्टी बनी जिसने सत्ता में रहते हुए खुद को रिपीट किया, यानी कि दोबारा सत्ता आई। अब हम वो एक और ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, मनोहर लाल जी ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं जो आज तक के इतिहास में कोई पार्टी कांग्रेस भी नहीं कर पाई, वो है जीत की हैट्रिक। ये जो 3 चुनाव हम जीते हैं ना, इसी प्रकार से तीसरी बार हरियाणा के अंदर जीतने वाले हैं। और इसमें बड़ी बात क्या है, देखने की समझने की बात है। हम 1995 में हमें गुजरात के अंदर जो है अवसर मिला था, गुजरात में हम जीते थे, तब से लेकर आज तक एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। उसके बाद हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अगर वो 1.5 साल का वो कालखंड जो है, जो मध्य प्रदेश के लोग याद भी नहीं करना चाहते, उसको छोड़ दें, तो पिछले 20 साल से हमारी लगातार सीटें आ रही हैं। हरियाणा की बात करें, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। उत्तर प्रदेश की बात करें, दूसरी बार हम जीते हैं। उत्तराखंड के अंदर हमने फिर से जो है नया रिवाज बनाया है। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी रिवाज के अंतर्गत जीतने वाली होती है वहां प्रचंड बहुमत के साथ जीतती, और जहां पर रिवाज कहीं कहीं गड़बड़ वाला होता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, नया इतिहास लिख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि देश में नमो नमो और हरियाणा में मनो मनो। देश में जिस प्रकार मोदी मोदी का गूंज सुनते हैं, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की कर रहे हैं। और इसीलिए आज विपक्षियों का आज हौसले टूटे हुए हैं, आज विपक्षियों के कंधे गिरे हुए हैं। ठीक है, विपक्षी सामने नहीं आ रहे हैं, कहीं घुस गए हैं, कहां गए, चले गए, सिवान तक गए थे। मैं आपको अंतिम बात कर रहा हूं अपनी पूरी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान में जिम्मेदारी मिली थी तो जो है गए थे, हरियाणा पार करके राजस्थान जाना चाह रहे थे, लेकिन सिवान तक ही पहुंचे। सिवान से जब उल्टे आए होंगे, मैं उस मनोस्थिति को सोच पा रहा हूं कि कैसी मनोस्थिति रही होगी। वो पूरे काफिले के साथ जा रहे थे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और वापस आना पड़ा। लौट के कौन घर पर आते हैं, मैं उस पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बुद्धू शब्द उनके लिए नहीं उपयोग करना चाहता, लेकिन हुआ तो यही है। लेकिन उसके उलट आज केंद्रीय नेतृत्व ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया, उन्होंने मनोहर लाल जी को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश में, कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, विधायकों की रायशुमारी करने के लिए उनको अवसर दिया। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट सामने सामने हैं। बाकी की पार्टियां किस प्रकार से निग्लिजिबल हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर, उसको बताने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सुमित गौड़ जी बताइए। विदु रावल जी कह रहे हैं कि देश में जैसे नमो नमो, हरियाणा में वैसे मनु मनो, और कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो चली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर, वो हरियाणा में भी चलने वाली है, और जीत की हैट्रिक यहां भी लगेगी। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका और इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने समय दिया हमें अपनी बात रखने का। जी सर। साथ ही अब एक बात जो कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, अति उत्साह, अति घमंड या अति भरोसा या ओवर कॉन्फिडेंस, ये इंसान को लेके डूब बैठता है। मैं कुछ आंकड़े पेश कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा बीजेपी के साथी प्रवक्ता से, जैसे मैं उनके पूरे लंबे चौड़े भाषण के बीच में नहीं बोला तो वो मेरे फैक्ट्स के आगे बाद में बोल देंगे। सबसे पहले मैं आंकड़ा रखना चाहता हूं स्टेट वाइज। कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, तो बीजेपी को मिली है 72 लाख वोट और कांग्रेस को मिली है 64 लाख वोट, यानी कि मात्र 6 लाख वोट का फर्क। राजस्थान 1.65 करोड़ वोट बीजेपी को मिली है और 1.56 करोड़ कांग्रेस पार्टी को मिली है। अब आते हैं मध्य प्रदेश, यहां भी 10 लाख का फर्क है 1.5 करोड़ में। प्लस मध्य प्रदेश की बात करें, बीजेपी को मिली है 2.11 करोड़ वोट और कांग्रेस को मिली है 1.75 करोड़ वोट। अब आते हैं चौथे राज्य तेलंगाना पे, करीब 92 लाख वोट्स कांग्रेस को मिली है और बीजेपी को मिली है 32 लाख वोट, यानी कि यहां पर ही हमारे से 50 लाख माइनस। तो अगर हम बात करें ओवरऑल वोट प्रतिशत की, अगर चारों राज्यों की वोट जोड़े तो कांग्रेस की के कैंडिडेट्स की वोट बीजेपी से इन टोटलिटी ज्यादा है। तो इसलिए ये अपने दिमाग में ये बहम का बुखार उतार दें कि लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नमो या मनो चलेगा, कुछ नहीं चलना। नंबर दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट,
63 उम्मीदवार इन चार राज्यों में, कांग्रेस पार्टी के 63 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 1200, 500, 3000, 3203 इस मार्जिन से चुनाव हारे हैं, यानी कि। और इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे उम्मीदवार जिन्होंने नेक टू नेक क्लोज फाइट दी है, 5000 की डिफरेंस से आ रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ता विदु भाई तो बीजेपी की बात रखी है, केवल कांग्रेस पार्टी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। और थर्डली के हर हालत में पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कह रहा था कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस जीत रही है और मध्य प्रदेश में इंडिपेंडेंट सरकार बनाने में हेल्प करेंगे। राजस्थान में की हम पहले कह रहे फाइट थी, लेकिन मैं साफ कहता हूं, कहने में गुरेज नहीं, बिल्कुल कंफर्म होके कहता हूं कि ईवीएम से भी छेड़छाड़ हुई है। जब पूरा वर्ल्ड, सभी न्यूज चैनल, सभी न्यूज पेपर्स के सर्वे सब कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की नेक्स्ट फाइट है, सारा ही साफ कर दिया। मतलब यानी कि केवल 10 सेकंड। तो मैं कहना चाहता हूं थर्डली एंड लास्टली, अब बाकी अगले सवाल का जवाब भी दूंगा, विदु रावल जी से मेरा एक सवाल है छोटा सा, एक ही सवाल का जवाब मेरा दे दे प्लीज, कि अमेरिका और जापान ने ईवीएम की शुरुआत करी, अमेरिका एंड जापान तो वापस बैलेट पेपर पे आ गया, हमारा भारत देश वापस बैलेट पेपर पे लाने से बीजेपी पार्टी के नेता और बीजेपी पार्टी क्यों डर रही है, बताइए। विदु जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं रेडू साहब और चौधरी साहब आप दोनों के पास आ रहा हूँ। देखिए बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता का अपनी मुताबिक आंकड़ों को मोड़ना, बार बार कहना चार राज्यों में चुनाव, पांचवा राज्य कौन सा है पता है? पांच राज्यों में चुनाव हुए थे, पांचवा राज्य है मिजोरम। और बीच में मत बोलिए, चलिए पांचवा राज्य मिजोरम है, जहां 2013 में कांग्रेस पार्टी की 40 में से 34 सीटें थी, आज 10 साल बाद एक सीट रह गई है, कितनी कन्वीनियंटली उसको छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी की इनसे दुगनी सीट आई है वहां मिजोरम में भी। किस प्रकार से ये यहाँ पर आंकड़ों की बाजीगिरी करते हैं। और आप, मैं इंतजार कर रहा था अब तक, ये ईवीएम जो मुन्नी से भी ज्यादा इन विपक्षियों ने, बैड लूजर्स ने बदनाम कर दी, ये ईवीएम पर ठीकरा कब फोड़ेंगे। देखिए इन कमाल तो ये है कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि इनको यकीन नहीं, बस यही बीच में मत बोला कीजिए सुमित जी, बीच में मत बोला कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे बार बार, बस यही खता ये बार बार करते हैं, धूल चेहरे पर लगी आईने को बार बार साफ करते हैं, इनकी जो दुर्दशा है। सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट्री करनी मुझे भी आती है। अरे सुमित जी आपको डिबेट करने में कब सीख पाओगे आप डिबेट करनी, आपने कहा ना बीच में मत बोले, मैं बोला क्या जब आप स्कूल कॉलेज में थे ना तब से मैं डिबेट कर रहा हूं। आप इतना चलिए ठीक है सर, आप थोड़ा सा आप दोनों दिए मैं तब पहली बार प्लीज सर मुझे मत निजी निजी बहस मत करिए। आपने मुझे कहा चुप रहने को, मैं एक शब्द बोला क्या? ठीक है, ये कर्सी आपको नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है ठीक है, आप प्लीज प्लीज सर, मैं दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप हमारे दो साथी और हैं, एक बार उनका नंबर आ जाए फिर मैं आप लोगों के पास लौट कर आऊंगा। दो साथी अभी और हैं, विजेंद्र रेडू साहब बताइए आप लोग कैसे परिवर्तन लाएंगे। सर विदु रावल जी तो दावा कर रहे हैं, और सिर्फ विदु रावल जी नहीं बल्कि दुष्यंत चौटाला ने भी ये कहा कि हमने सरकार इस तरीके से चलाई कि जनता को लाभ दिया, वरना हर एक मौके पर आप लोग ये कहते थे गठबंधन टूटेगा नहीं और सरकार बचेगी नहीं। बताइए सर रेडू साहब। ये तीन पहलू होंगे, मैं एक पार्टी की बात करूंगा, कांग्रेस की करूंगा और बीजेपी की करूंगा जी। नंबर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जिसके प्रमुख हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री तक रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जिसने वो इतिहास रचा जो कोई पार्टी आज तक नहीं रच पाई। 90 में से 25 सीटों पर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ऐसे व्यक्ति तो है जो कि संगठन के बारे में जाने जाते हैं, अनुशासन के बारे में जाने जाते हैं, और एक सुप्रसिद्ध शासक के बारे में भी जाने जाते हैं, और हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन बातों के साथ मैं ये दावा कर सकता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो नेतृत्व हरियाणा प्रदेश का है वो सभी पार्टियों से मजबूत है, सभी पार्टियों से सॉलिड। इसके बाद हमने परिवर्तन पद यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश में गए, गांव गांव में अभय सिंह चौटाला जी अपनी यात्रा को लेकर के गए, लोगों से मिले जुले, उनके दुख तकलीफों को जाना, और लोगों ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया, उनमें अभय सिंह के प्रति विश्वास। अब 16 दिसंबर से फिर दोबारा हम यात्रा शुरू कर रहे हैं,
रथ यात्रा, जो जो हमारे एरिया छूट गए थे उनमें जाएंगे रथ यात्रा और विभिन्न प्रकोष्ठों के सम्मेलन करेंगे और संगठन हमारा दिन डेली लिस्टें आ रही है, दोबारा से फिर संगठन को मजबूती से खड़ा किया जा रहा है, लोगों के विश्वास के साथ हम 2024 में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई ठीक। विवेक चौधरी, हाँ आऊंगा सर, एक 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 रिएक्शन पहले विवेक जी से, विवेक जी गर्म बनी है अभी। विवेक चौधरी जी, किस तरह तैयारी आप लोग की, चूंकि अभी मैं रैली भी देख रहा था, दुष्यंत चौटाला ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन कुछ आरोप आप लोगों के ऊपर भी विवेक जी ये लग रहे हैं कि कुछ वादे आप लोगों ने किए जो अभी तक पूरा नहीं हो पाए या जिन पर रोक लग गई या जिन पर काम नहीं हो पाया, वजह कुछ भी रही हो लेकिन आप लोगों ने वादे किए थे, तो वादों को पूरा करने का दावा तो कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन जो आरोप वादा खिलाफी का आप लोगों के ऊपर है उसको आप कैसे जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं विवेक चौधरी जी? पराग जी, हमने वादे जरूर किए थे और तकरीबन वादों को हम पूरा करने में भी सक्षम रहे जी। चाहे मैं 33% महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करूं, चाहे 75% युवाओं के रोजगार की बात करूं, चाहे और किसी चीज के ऊपर लेके जाऊं, चाहे युवाओं को रोजगार दिलवाने की बात करूं रोजगार मेलों के तहत, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार की बात करूं, आज के दिन हम तकरीबन वादों को अपने पूरा करने जा रहे हैं। हमारे कुछ वादे हैं, बारी बारी विरोधी भी उठाने का काम करते हैं, हमने किया था 5100 पेंशन का वादा, मैं अपने आप कहता हूं, और हम आज भी उस वादे पे अड़े गए। हमने एक ही बात कही थी कि हमारी सरकार बने, जननायक जनता पार्टी की सरकार बने, पहले ही दिन 5100 पेंशन की जाएगी, ये नहीं कहीं भी था कि गठबंधन में। आज हम गठबंधन में है और गठबंधन में रह के जितना हमसे बन पड़ता है उससे फालतू काम करने का काम आज जननायक जनता पार्टी कर रही है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी कर रहे जी। आज दुष्यंत जी दिन हो चाहे रात हो पब्लिक के बीच में, पब्लिक की समस्याएं सुन रहे हैं और पब्लिक के दुख सुख में शरीक होने का काम कर रहे हैं, और भविष्य में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे, सरकार बना के सभी के सभी वादे जो पीछे अधूरे रहेंगे उन्हें भी पूरा करने का काम करेंगे। आज मैं सुन रहा था कांग्रेस वाला कुछ कह रहा है, साथी इनेलो वाले कुछ कह रहे हैं, मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर हमने कुछ कहा है तो उसका हमारे पास एक विजन है और वही विजन लेके हम चले थे और उसी विजन के परिणाम है आज के एक्साइज डिपार्टमेंट जिसका हमने रिवेन्यू पिछले अगर कोई भी रिकॉर्ड उठा ले तो सभी के रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया हमने, सरकार को रिवेन्यू बढ़ाने का काम। अगर मैं ये बारी बारी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी चीज का घोटाला बता देते हैं, कभी किसी चीज का घोटाला बता देते हैं, जब इनसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं इनके पास फैक्ट्स नहीं होते। हम एक चीज कहते हैं कि बदलाव लाने का काम किया, चाहे मंडी सिस्टम के अंदर लीकेज जो बंद करने की बात हो, चाहे किसान के खाते में 48 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट पहुंचाने की बात हो, आज हमने एक चीज जो लेके चले थे, एक विजन लेके चले थे आदरणीय दुष्यंत जी का, उसी विजन के तहत हर एक नागरिक तक सरकार की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ पहुंचाने का काम किया और कोशिश की। आज हमें मजबूती से हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा, राजस्थान में हमने संगठन खड़ा किया और मैं तो बहुत सुनता भी हूँ कांग्रेस के साथियों को और दूसरी पार्टी के साथ, एक फोबिया सा हो गया दुष्यंत जी के नाम, कारण क्या है, युवा चेहरा है और जो विजन लेके चले हैं, जो भी बात करते हैं वो फैक्ट्स के साथ करते हैं, ये नहीं है कि कभी जूता निकाल लिया विधानसभा में या कभी किसी के ऊपर कोई ओछी टिप्पणी कर दी। हमने तो एक ही बात जानी है कि ताऊ देवीलाल के विचारों को साथ लेके चले थे, ताऊ देवीलाल के विचारों को राजस्थान में भी ले जाने का काम किया और हरियाणा में भी आने वाले 2024 में मजबूती से चुनाव लड़के सरकार बनाने का काम करें। ठीक है विदु रावल जी, रखिए अपनी बात, आप बात रखना चाह रहे हैं, और इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा भी अपना रिएक्शन दे रहे थे, उन्होंने भी कई सारी बातें बीजेपी को लेकर कही थी, मैं चाहूंगा एक छोटा रिएक्शन उस पर भी आप रखें विदु जी। देखिए मैं फिर से निवेदन करूंगा अपने भाई कांग्रेस वाले मित्र से कि बीच में मत बोले, मैं भी नहीं बोल रहा हूं उसके उनके बीच में, वो भी ना बोले मेरे बीच में, सभी को अच्छी डिबेट देखने को मिले। देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी की स्थिति बड़ी दिलचस्प है, मैं उनका बयान सुन रहा था, पत्रकार उनसे तीन राज्यों के बारे में बार बार पूछ रहे थे, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार चार राज्य बोल रहे हैं, पत्रकार तीन राज्यों के बारे में राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में बोल रहे थे, और वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर तेलंगाना की जनता को बार बार धन्यवाद दे रहे थे, तेलंगाना में कौन सीएम बनेगा ये सवाल उनसे पूछा ही नहीं, वो बार बार उस पर जा रहे थे, मुझे नहीं पता
उनका ईयरपीस ठीक नहीं था या उनको वहां भीड़ में आवाज नहीं सुन रही थी, पत्रकार का सवाल नहीं सुन रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प स्थिति है, जिस प्रकार मुगलों का जब अंत आया था तो वो विंध्याचल के पार हो गए थे, यानी विंध्याचल पर्वत के पार उनको किस प्रकार से साउथ ऑफ विंध्याचल धकेल दिया था दक्कन में, वही स्थिति जो है आज कांग्रेस की कर दी है देश की जनता ने, उनको अभी दक्कन में धकेल दिया अकेली एकमात्र जगह पर, और वहां दक्कन में भी उनका बुरा हाल होता अगर आमने सामने भाजपा के साथ लड़ाई होती, वहां लड़ाई जो है वो बीआरएस के साथ थी, हम वहां पर गेम में नहीं थे, पिक्चर में नहीं थे, तो वहां का हमारी वोट परसेंट बताने का कोई औचित्य ही नहीं था। लेकिन मैं इस बात से बड़ा हैरान होता हूं जब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने अपनी एम्बेरसमेंट को जिस प्रकार हर बार ये चुनाव हारते हैं ईवीएम का रोना रोते थे, इस बार इन्होंने कहा नहीं भाई बड़ी बेशर्मी हो गई, बहुत लोग बड़ा हंसी मजाक उड़ाते हैं, किसी नेता ने ईवीएम की बात नहीं मैंने सुनी थी आज तक। पहले जो है मैं बधाई देता हूं सुमित जी को, ट्रेंड सेटर है, अपनी पार्टी में भी ट्रेंड सेटर है, पहले व्यक्ति है जिन्होंने ईवीएम की बात की है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए, सुमित जी की पदोन्नति करनी चाहिए। अब मैं सीधा सीधा इंडियन नेशनल लोकदल के मित्रों के पास आता हूं, उन्होंने सीधे सीधे हम पर कोई कटाक्ष नहीं किया था, मेरा कोई कारण नहीं है करने का, लेकिन एक दो चीजें जो है ध्यान में आनी चाहिए। आज तक कभी भी कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार बिना भाजपा के समर्थन के नहीं बनी, प्री पोल अलायंस के भाजपा के साथ हुआ तब कोई गैर कांग्रेसी बनी, केवल हम अकेली गैर भाजपाई सरकार हैं जो 2014 में अपने दम पर बनी, और फिर जाकर प्री पोल अलायंस कोई नहीं था, 2019 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर रिपीट हुए। उन्होंने जो है बिल्कुल ठीक कहा, ताऊ देवीलाल मेरे भी आदर्श हैं, ताऊ देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री भी बने थे तो उस समय भी भाजपा की सीटें जो थी उनसे कई गुना ज्यादा थी, भाजपा के समर्थन से भाजपा के कहने पर बने थे, एक बात। लेकिन जब वो ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लेते हैं, वो भी प्रदेश के 5 बार माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जब अनुशासन और प्रशासन की बात कही तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं ये कहने के लिए, वो अनुशासन प्रशासन के लिए मशहूर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अलमारी को पीछे से काटने के लिए जरूर मशहूर है। तिहाड़ में 10 साल बिताने के जो कहते थे जब तक जीऊंगा राज करूंगा, अपने किस प्रकार बुढ़ापा उन्हें तिहाड़ के अंदर निकालना पड़ा, ये भी देश की जनता ने देखा, प्रदेश की। और जब भ्रष्टाचार की बात करें तो आज ही कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद के पास 200 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, तो मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो कि सिद्धांतवादी राजनीति करती है, जन कल्याण की राजनीति करती है, इन लोगों को जब भी अवसर मिलेगा ये लोग जो है कभी अलमारी काटेंगे, कभी कैश मिलेगा, कभी कोई आकर बड़े बड़े घोटाले करेंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि जनता के लिए काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि ना तो मोदी जी को अपने परिवार को आगे भविष्य देखना है, मोदी जी का परिवार तो पूरा देश है, मनोहर लाल जी का परिवार पूरा हरियाणा है, इन्हें कोई अपने बच्चों को सेट नहीं करना। जो मजबूरी जो है मेरे साथी विपक्षी पार्टियों की है वो मनोहर लाल जी की और मोदी जी की नहीं है, और इसलिए जनता इतना भरपूर प्यार स्नेह दे रही है, इसको अहंकार कह दीजिए आप, मैं इसको बड़ी विनम्रता से जो है जनता के आशीर्वाद का हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूं, इसको स्वीकार करता हूं, और इस बात को रेखांकित फिर से करता हूं। मैं अंतिम वाक्य बोल रहा हूं त्याग जी, कि हमारे लिए ये जिम्मेदारी भी है, ये जो इतना अपार स्नेह प्रेम और आशीर्वाद जनता दे रही है, ये जिम्मेदारी भी है कि इस जनता की आंख में जो इन लोगों ने आंसू दिए है ना, इन आंसुओं को हमने पोंछा है, अब चेहरे पर मुस्कान आने लगी है, इस मुस्कान को किस प्रकार हंसी तक जो है तब्दील करेंगे, उस चेहरे को जो जिस प्रकार की मुस्कान है उस मुस्कान को वाइडन करेंगे, और ये मनोहर लाल जी के गुड गवर्नेंस जो कि पूरे देश के लिए आज अनुकरणीय बन चुका है, हर एक के बाद एक प्रदेश मनोहर लाल जी की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। कांग्रेस वाले हमारे मित्र जाती हुई सरकार में राजस्थान में भी भाजपा की किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे डालने की योजना को कॉपी कर गए, हमारी ट्रांसफर पॉलिसीज हो चाहे बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात हो, आज मनोहर लाल जी ट्रेंड सेटर हैं, उन अनुसरणीय और अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं, और इसलिए देश के अंदर मनोहर लाल जी का कद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंदर उन जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ, वो गरीब बंधु के आज के बाद से संज्ञा से जाने जाएंगे, गरीब का जिस प्रकार से एक तरफा प्यार जो है मनोहर लाल जी को मिल रहा है, उसने इन सब जो है दिन में तारे दिखा चुके हैं, इनकी परखच्चे उड़ा चुके हैं, इनको किस प्रकार से धूल चटा चुके हैं। सुमित जी, बीजेपी के ऊपर आप ये आरोप लगाते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, बहुत सारी योजनाओं को लेकर, तमाम सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन एक बड़ा आरोप बीजेपी के नेता आपके ऊपर ये लगाते हैं कि चलिए बीजेपी के नेता कहते हैं हम तो कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारा संगठन मजबूत है, आप लोगों के संगठन में दरारें आ जाती हैं, खेमेबंदी हो जाती है, इस तरह का आरोप भी लगता है, तो इससे आप कैसे निपट रहे हैं सुमित जी? देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन प्रदेश का संगठन हर बार बनाए, चाहे जब भी अध्यक्ष का हमारा संगठन है, निश्चित रूप से विद इन अ मंथ
आपको जिला अध्यक्ष भी सारे बने हुए मिलेंगे जनवरी से खत्म होने से पहले पहले। मैं एक बात भी जुड़ाना चाहूंगा, मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता साथी भाई ने कहा कि मनोहर लाल जी ने आंसू पूछे, मैं कहना चाहता हूं कि आंसू तो उन्होंने पूछे या नहीं पूछे मुझे नहीं पता, लेकिन प्रदेश की और देश की जनता को बीजेपी ने खून के आंसू जरूर रुला दिए हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस समय का सिलेंडर 500 रुपए वाला अब 900 और 1000 पार नहीं मिल रहा? पेट्रोल मैं बीच में नहीं बोला आपके विद्यु भाई, पेट्रोल डीजल 100 के पार कर दिया कांग्रेस पार्टी के समय में, वही पेट्रोल डीजल 60-62 था। क्राइम, बेरोजगारी, दलितों को दबाया जा रहा, महिलाओं के खिलाफ ऊपर क्राइम हो रहे हैं, कोई सा भी आप आंकड़ा उठा लीजिए महंगाई से लेकर क्राइम तक का, बेरोजगारी तक का, हर आंकड़ा बराबर केवल और केवल इनके पास जुमले हैं। जाति और धर्मों पर लोगों को बांट देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं, राम मंदिर के नाम पर भी बांटते हैं, अब आगे भी बांटेंगे, लेकिन आगे की राह इनकी आसान नहीं है। ठीक है, मैंने एक सवाल का जवाब मेरे विदु भाई ने नहीं दिया, मैं कहना चाहूंगा कि वापस आप बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आते? जब अमेरिका आ गया, जापान आ गया बैलेट पेपर पे, देन व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई नॉट बीजेपी आगे आ रही इस चीज के लिए? क्यों तो इससे ही शक का पैदा होता है। ठीक है सर, शक नहीं, कन्फर्म मैं इसका जवाब विदु रावल जी से लूंगा, लेकिन पहले रेरू साहब के पास जाऊंगा। उससे पहले एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप छिंदवाड़ा की सारी सीटें कैसे जीत गए अगर ईवीएम में दिक्कत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तेलंगाना में आप जीते, बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर आप लोग जीते हैं, तो वहां भी तो आप लोगों की जीत हुई है ना, ईवीएम पर सवाल क्योंकि इन्होंने वो क्वार्टर फाइनल तब छेड़छाड़ नहीं करी, अब सेमीफाइनल सोचा इसका इम्पैक्ट लोकसभा में आएगा, इसीलिए ये चीजें हुई, मुफ्त राशन बांटा, लेकिन ये भूल गए अभी लोकसभा चुनाव में 6 महीने का समय है, जो इन्होंने फ्री का राशन बांटा है, इन्होंने मतलब हर इंसान को इतने लोक लुभावने ने वादे दिए जिन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, चलिए मैं रेडू साहब से कॉमेंट ले लूं बहुत जल्दी से, फिर मैं चौधरी साहब आपके पास आऊंगा, फिर रावल साहब आपके पास आऊंगा। रेडू साहब बताइए सर। सबसे पहले तो आपसे ही मेरा निवेदन है कि मुझे बोलने का वक्त दे, पहली बार आपने मुझे बहुत कम वक्त दिया। नहीं सर, आप, आपका वक्त तो पूरा हो गया था ना, या शायद आपकी आवाज चली गई थी फिर, क्योंकि क्योंकि आपने जब खत्म किया तभी मैंने आपको रोका था। अब आप बोलिए सर, अपनी बात रखिए। कोई नहीं, मेरा वो टाइम आप जोड़ लेना जी। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने पहले बात बताई थी, मेरी बात इतनी हुई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है जी। और मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि 2024 में हरियाणा प्रदेश में चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में ही होने जा रहा है, और कोई पार्टी हरियाणा प्रदेश में नहीं बचे। देखिए उसका सबूत प्रमाण आपके सामने है, जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी राजस्थान में जाकर के चुनाव लड़ी 19 सीटों पर, और वहां क्या हाल हुआ सबके सामने, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी बड़ी यहाँ पर ढींगे हाँकती थी, उनका भी क्या हाल हुआ, नोटा से भी नीचे उनको वोटें मिली है। और कांग्रेस पार्टी का हाल सबके सामने है, सुमित जी ने चलो आंकड़े बदल करके बता दी, वह एक अलग बात है, लेकिन जो हाल कांग्रेस का हुआ है वो भी सबके सामने है। और हरियाणा प्रदेश में जो राजस्थान की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, वहां तो एक तो की आपस में टसलबाजी थी, हरियाणा में तो चार चार का ग्रुप है, ये खुद एक टांग खींच खींच करके इनको नीचे ले जाने का काम करेंगे, इनकी नैया भी डूब चुकी है। यदि सम्मान के साथ इलेक्शन लड़ेगी हरियाणा प्रदेश में तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भाजपा पार्टी ही होगी, बाकी सारी पार्टी। और आगे भारतीय जनता पार्टी की जो हालात है 10 साल में, इन्होंने भी जो जनता को परेशानियां देने का काम किया। देखिए ये चैनल पर बैठ करके तो दावा ठोकेंगे कि सभी लोग 80 तक ले जाने की बात ये कर रहे हैं विदु भाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के कल ही डाटा आया है जिसमें हरियाणा को महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ सेकेंड पोजिशन पर आने का काम है, नंबर एक पर दिल्ली और नंबर दो पर शिक्षा के ऊपर पहली बार ऐसी घटना घटी होगी शायद हिंदुस्तान में कि हाई कोर्ट शिक्षा के बारे में सरकार के ऊपर 5 लाख रुपए। ठीक है सर, विजय जी आप फेरिस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि समय अब आखिरी चल रहा है और बहुत कम बचा है, एक एक फाइनल रिएक्शन और मैं ले लूं।
आपने जो बातें कही उन पर रावल साहब जवाब देना भी चाह रहे हैं, उनके पास मैं जाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले विवेक जी एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। अभी जो रेडू साहब ने कहा वो कह रहे हैं कि मुकाबला हमारा रहेगा तो बीजेपी से, लेकिन निशाना वो सबसे ज्यादा आप लोगों के ऊपर साध रहे हैं। बहुत जल्दी से विवेक जी फाइनल रिएक्शन। चलिए रेणु साहब आप थोड़ा सा सुन लेते हैं एक बार, सुनने का ठीक है विजयन जी आप सुन लेते हैं, रखिए विवेक जी संक्षेप में रखिए थोड़ा। रेडू साहब की मजबूरी है, रेडू साहब के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज रेडू साहब हो चाहे कांग्रेस के साथी, आज कांग्रेस के लीडर हो, तमाम लीडर्स को फोबिया हो गया दुष्यंत जी के नाम का। अभी रेडू साहब कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के मुकाबले में। रेडू साहब आप यहाँ तो बीजेपी का विरोध करते हो और राजस्थान में जाके बीजेपी का आपने प्रचार किया, ये बात समझ नहीं आती। आज के दिन क्यों जनता को भ्रमित करने का काम करते हो? ठीक है हम एक चीज जानते हैं, जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के विचारों को लेके राजस्थान में गई और वहां जाके संगठन बनाने का काम किया और संगठन खड़ा करने का काम किया। आपने एक सवाल कांग्रेस के साथी से किया था कि संगठन ऐसे, वो अपने आप ही बताने लग गए कि हमारा जल्दी संगठन बनेगा, उनसे आपने ये नहीं पूछा। ठीक है सर, कि संगठन कब बनेगा? आज जो लोग संगठन तक नहीं बना पाए वो हमारे ऊपर। चलिए विदु रावल जी एक बहुत जल्दी से फाइनल इलेक्शन सर, ठीक है विदु रावल जी, ठीक है सर, ठीक है विवेक जी प्लीज, समय थोड़ा सा कम बचा, विदु रावल जी रखिए। करेक्शन थोड़ा सा रुकिए, विवेक जी आप भी रुकिए, विदु रावल जी अपनी बात रखिए, पहले ये पता कर लीजिए फिर डिबेट पे बैठिएगा। ठीक है सर हो गया, प्लीज प्लीज ठीक है विवेक जी, पता कर लीजिए। ठीक है जनता के लिए काम करो तो जनता सिर आंखों पर बिठा लेती है, और यही जो है आज मनोहर लाल जी को और मोदी जी को जिस प्रकार से स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग सिलेंडर की बात करते हैं 500 रुपए, अरे मिलता ही कहां था भाई सिलेंडर, कभी सिर के ऊपर, कभी साइकिल के पीछे, कभी मोटरसाइकिल के पीछे। याद है वो दिन कांग्रेस के राज में सिलेंडर ही नहीं मिलता था, जिन लोगों ने पूरा का पूरा चुनाव लड़ लिया। अरे भाई बीच में मत बोलिए, जातीय जनगणना के ऊपर पूरा का पूरा राहुल गांधी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बैलेट पेपर में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है लेकिन सुमित जी आपने रेडू साहब को नहीं सुना, वो तो ये कह रहे हैं कांग्रेस कहीं गिनती में ही नहीं है। सर सुमित जी रेडू साहब ने क्यों कहा कि कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है? सुमित जी बताइए और किस प्रकार से विरोधाभासी बातें जो है आज कांग्रेस के हमारे मित्र कर रहे हैं, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के भाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। जनता देखती है भाई, एक समय था जब आप जनता को कम आंकते थे, जनता बहुत प्रबुद्ध है, आप लोगों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, और इसलिए देश में प्रदेश में ठीक है। चलिए उम्मीद करेंगे आप लोग जनता के मुद्दों को अच्छे तरीके से रखें उनके सामने भी और चुनाव में जाएं, क्योंकि आज सर मुझे समय इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोग जुड़े इंडिया न्यूज के लिए, आप लोगों ने समय दिया और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।